प्रोसीजर ऑफ थ्रेडिंग ऑन लेथ मशीन, और उसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से कोई अगर पार्ट हम वर्कशॉप में तैयार करते हैं तो उसके अंदर कहां कहां, जैसे कि ये हमने सेफ्टी वाल्व तैयार किया है, वर्कशॉप के अंदर ही सेफ्टी वाल्व ये तैयार किया है शेप देख के, और ये ऑन वर्किंग है और ये हैवी ड्यूटी है, और ये किसी भी जो प्लांट है उसके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, स्टील की सेफ्टी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये पार्ट के आगे आगे देखो जरा, दिस ऑपरेशन है यहाँ पे, तो ये थ्रेडिंग जो है, ये नंबर ऑफ थ्रेडिंग इसको बोलते हैं टीपीआई, टीथ पर इंच, ये जो आपने ग्रूव्स देखे हैं इनकी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इनका एक स्टैंडर्ड है कि एक इंच में आप 11 थ्रेड का पार्ट आप खरीदना चाहते हैं या 14 थ्रेड, तो एक स्टैंडर्ड इसके अंदर गाइडलाइन के लिए रहता है कि मान लो आपका 3/4 इंच से नीचे का जो भी साइज पाइप होगा तो उसके अंदर 14 कटिंग होगा, और इससे ऊपर मान लो 1 इंच से ऊपर का है तो उसमें 11 टीपीआई एक स्टैंडर्ड है। वही आपको मार्केट में अगर जाओगे 1 इंच से ऊपर के जितने भी पाइप खरीदेंगे तो उसमें 11 टीपीआई कटिंग होगा, तो इसी तरह ही इसको स्टैंडर्ड मेंटेन किया होगा, तभी हम कोई भी पार्ट जो है कहीं से भी उस की डेफिनेशन बता करके खरीद सकते हैं। तो इसको जैसे कि हम चेक करने की बात करते हैं कि हम इसको कैसे चेक करें, ये हमारे पास एक गेज है, ये देखिए आप इस गेज के आगे क्या है, इनके अंदर अलग अलग प्रकार की जो है थ्रेड इसके अंदर कटिंग हुई हुई है, तो ये इन्हीं टीथों से चेक करते हैं कि ये वास्तव में कितने टीपीआई है जो हम कटिंग करने जा रहे हैं, तो वो जब इसके साथ मैच कर जाती है टीपीआई तो उसके अनुकूल फिर हम उसको कटिंग करते हैं लेथ मशीन के ऊपर, तो ये तरीका इसका रहता है और इसके द्वारा ही चेक करते हैं कि हाँ वास्तव में ये उतनी है। जब हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो गेज से चेक कर लेते हैं मशीन पे कि वास्तव में जो हमने स्टार्ट किया है थ्रेडिंग करना, और वो क्योंकि जो गियर चेंज सिस्टम है उसके द्वारा हम उसकी सेटिंग करते हैं, मान लो 14 टीपीआई काटना है तो उसके लिए जो हमारे वहां पर लॉक टेबल है थ्रेड की उसकी जो सेटिंग है उसके अनुकूल करते हैं। अभी आप देखेंगे मशीन के ऊपर चल करके कि किस प्रकार से हम वो सेटिंग करेंगे और उस थ्रेड को ऑपरेशन के माध्यम से क्रियान्वित कर पाएंगे, तो ये उसका एक तरीका है चेक करने का। उसके अलावा जो टूल की बात कर रहे हैं हम, टूल ये है आपका जो थ्रेड कटिंग करने का है, ये देखिए वी शेप टूल, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आपको जरूरी है कि कौन सी थ्रेड कटिंग करनी है तो उसके अनुकूल आपको टूल तैयार करना पड़ेगा। अगर मान लो थ्रेडिंग आपकी स्केयर थ्रेड काटनी है तो आपको टूल चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्केयर टूल तैयार करना पड़ेगा, तो ये आपका थ्रेडिंग का प्रकार रहेगा और इस हिसाब से हम कोई भी पार्ट को तैयार कर सकते हैं थ्रेडिंग ऑपरेशन करने के बाद। एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट द पिच, इसके दो स्टैंडर्ड होते हैं, एक तो नंबर ऑफ टीथ होती है और एक पिच, पिच के हिसाब से भी आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्राइब हाउ टू सेट द थ्रेड आरपीएम, आरपीएम वही है कि कितने आपको आरपीएम लेकर के इसको थ्रेडिंग करनी। डिस्क्राइब हाउ टू सेट करेक्ट क्यूक चेन गियरबॉक्स, क्यूक चेन गियरबॉक्स का मतलब क्या है कि वो टेबल्स होती हैं, उसमें ए बी सी डी आपकी कहां वो लीवर फिट होता है, और उसी तरह 1-7 वो भी लीवरों का सेटिंग है, तो उसको बोलते हैं क्यूक चेन गियरबॉक्स, तो वो सेटिंग भी हमें जान लेनी पड़ेगी। जब तक एग्जैक्ट आपको पता नहीं लगेगा कि 14 टीपीआई के लिए कहां हमारी थ्रेडिंग सेट होगी तब भी हम थ्रेड को काट नहीं पाएंगे। आगे इसी के लिए आपको ध्यान करना होगा डिस्क्राइब हाउ टू सेट करेक्ट कंपाउंड रेस्ट, हमारी जो कंपाउंड रेस्ट है उसका भी एंगल जो है उसको हमें सेट करना होगा। इसके साथ साथ डिस्क्राइब हाउ टू सेट करेक्ट टूल बिट, और जो
कटिंग करने वाली टूल भी है। अभी मैं इस बात को बता चुका हूँ कि जो आपको थ्रेडिंग काटनी है उसके अनुकूल ही आपको टूल तैयार करना पड़ेगा। जैसे वी शेप हो गया, स्क्वायर हो गया, एकम थ्रेड हो गया, रेडियस थ्रेड हो गया, तो डिफरेंट टाइप की जितनी थ्रेड है उसके अनुकूल आपको ये सारा तैयारी करनी पड़ेगी पहले। उसके अलावा डिस्क्राइब हाउ टू सेट बोथ कंपाउंड एंड क्रॉस फीड ऑन बोथ डायल टू जीरो, तो वो भी आपको सारा देखना पड़ेगा कि सब एक्यूरेट बिल्कुल सेंटर में जाए। डिस्क्राइब द थ्रेडिंग ऑपरेशन, हाउ टू ग्राइंड द टूल बिट, अभी टूल बिट की हमने बात की कि उसी के अनुकूल आपको ग्राइंड भी करना होगा। कि अगर मान लो आपका वी शेप है तो उसके अनुकूल ग्राइंड करना पड़ेगा, और अगर आपका दूसरा कोई थ्रेड है उसके अनुकूल आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। और थ्रेड कटिंग ऑन द लेथ इज ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ए हेलिकल रिजिड ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन ऑन द वर्क पीस, तो इसमें क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कल जो है अभी आपने देखा वो एक रॉड के ऊपर जो है वो तैयार किए जाते हैं। ऑन द वर्क दिस इज परफॉर्म बाई टेकिंग सक्सेसिव कट्स विद ए थ्रेडिंग टूल बिट द सेम शेप एज द थ्रेड फ्रॉम रिक्वायर्ड, कि जो आपकी थ्रेडिंग की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो आपकी जो जॉब है उसके ऊपर वो थ्रेड तैयार की जाती है। जो बनाया था ये वो पेपर टर्निंग वाला जो है, तो इसको हम उतार रहे हैं। तो हमने ये पाइप लिया है जिसका साइज है हाफ इंच, तो इसके ऊपर हम थ्रेडिंग ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले तैयार करेंगे, सबसे पहले जॉब को फिक्स किया, उसके बाद ये टूल को फिक्स किया, और टूल हमारा ये थ्रेडिंग टूल है वी शेप टूल, और इसको हम देख रहे हैं कि सेंटर में ही होना चाहिए। तो ये सेंटर से अभी थोड़ा सा हाइट इसकी ज्यादा है, तो इसको हम थोड़ा इसको सेंटर में करेंगे, तो इसको पीछे करना पड़ेगा। पोस्ट के स्क्रू हैं जिनकी सहायता से टूल होल्डर को हमने इसमें टूल पोस्ट में अच्छे से फिक्स किया। इसके बाद ये बिट को सेट करने के लिए ये स्क्रू दिया गया, तो इसको हम इसका सेंटर चेक कर रहे हैं, तो ये इसके सेंटर में आ गया। तो इसकी ये थ्री स्पीड्स हैं, अब तीनों स्पीडों को चेक देखते हैं, तो ये इसकी बिल्कुल स्लो स्पीड है, हमें इस पे काम नहीं करना। ये इसकी सेकंड स्पीड मीडियम, और इसके अलावा एक फुल स्पीड है इसकी जो मैक्सिमम 2000 आरपीएम की है। हमें इतनी भी इसमें आरपीएम नहीं रखने, हमें इसमें मीडियम आरपीएम रखेंगे जो कि लगभग 700-800 आरपीएम रहेंगे, तो उसी के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये हमारा जो है इस पाइप के अंदर हम रिसेसिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं इस पाइप को, इसके आगे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव कर रहे हैं। इसलिए रिमूव करने के लिए हमने इसी टूल का ही प्रयोग किया है, जरूरी नहीं है, कई बार हम वीशेप टूल से कटिंग का भी काम ले सकते हैं। तो ये इसको रिसेसिंग भी बोलते हैं, कटिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं। जैसे कि आपने पिछले उसमें प्रैक्टिकल किया, फेसिंग किया, टर्निंग किया, टेबल टर्निंग किया, थ्रेडिंग बोरिंग किया, और ये अब लगभग ये मटेरियल जो है अलग होने जा रहा है, और कुछ ही सेकेंडों में ये इससे अलग हो गया। ये देखो, तो ये इसका फेसिंग भी है, और इसको चैम्फरिंग भी बोलते हैं। थ्रेडिंग से पहले चैम्फरिंग करना जरूरी होता है, तो थ्रेडिंग करने से पहले उस सरफेस को
थ्रेडिंग साइज के अनुकूल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसका थोड़ा सा जो है वो डाउन करते हैं। तो डाउन आप देखेंगे किस प्रकार से इसमें हल्की सी टेपर देनी पड़ती है, या बाई हैंड ही इसके अंदर टेपर दी जाएगी। इसमें ना कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग किया जाता है, धीरे धीरे इसको हम टेपर देते हैं। और टेपर का पर्पज क्या है कि जब हम इसके ऊपर जो भी पार्ट, इसका ये मेल है और इसका फीमेल पार्ट होगा सॉकेट, तो सॉकेट के अंदर ये जो निप्पल है, ये निप्पल तैयार हो जाएगा थ्रेडिंग का। तो ये चढ़ाने के लिए फिर इजी रहता है, इसलिए जो है ये थ्रेडिंग निप्पल के अंदर फिक्स हो जाएगी और इजली ही इसको रिमूव किया जा सकता है। अगर एक ही साइज रहेगा तो थ्रेडिंग जो है उसके अंदर इजली नहीं जा पाएगी। परंतु ये सिस्टम जो है, ये ऑपरेशन, ये डिजाइन जो हमारी स्ट्रीम लाइन पाइप है उसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उसमें हम इतना टेपर देंगे तो उसमें लीकेज के चांसेस रहते हैं। तो स्ट्रीम पाइप में मिनिमम टेपर दी जाती है, बिल्कुल मिनिमम, और ये लगभग हाफ एमएम टेपर दी जाती है, और उसमें 0.005 इतनी टेपर नाम मात्र। तो ये जो इस समय टर्निंग चल रही है, ये थ्रेडिंग करने से पहले एक प्रोसेस है, पाइप के ऊपर हम टेपर ऑपरेशन देते हैं। ये लगभग हो गया और आगे आपने देख लिया चैम्फर हमने पहले ही कर दी है। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे, जो हमने क्विक गियर बॉक्स जो सेटिंग है, तो ये हाफ इंच का पाइप है। तो इस हाफ इंच के पाइप पे जो स्टैंडर्ड है वो हमारा 14 dpi है। ये इसकी जो है लॉक टेबल है, ये आप देख रहे हैं सामने, और इसके अंदर जो है ये आपकी थ्रेडिंग है, जैसे कि यहाँ 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, और इसके नीचे जो है एक लाइन और छोड़ के 8, फिर आगे 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हमें 14 करना है। तो 14 के लिए क्या है कि एक तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लीवर जो है इधर वाला 7 के ऊपर फिट होगा, और इसके अलावा जो यहाँ है ये CFJ BFJ, इन दोनों में से एक की फिटिंग होगी। तो यहाँ हमने BFJ, ये आपकी इधर आएंगे, यहाँ B, ये F और ये J, इसमें हम सेटिंग करेंगे। ये B हो गया, ये F हो गया और ये J। तो इस प्रकार से यहाँ 7 आ गया इसके ऊपर और उधर BFJ, तो ये आपका जो है गियर की सेटिंग होगी ऊपर। तो अब हम इसके अलावा यहाँ पे इसका एक लीवर है, इसको बोलते हैं हाफ नट लीवर। क्या बोलते हैं इसको? हाफ नट लीवर। तो ये जब हम थ्रेडिंग ऑपरेशन करेंगे तो इसकी हम हेल्प लेंगे, और ये जो एकम थ्रेड है वर्म व्हील, इसकी सहायता से जो है ये थ्रेडिंग ऑपरेशन होता है। इसके अंदर लीड स्क्रू भी बोलते हैं इसको, वर्म व्हील भी बोलते हैं। आपने जब लेज का चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर लीड स्क्रू की बात हुई थी, तो लीड स्क्रू हेल्प जो है करता है हमें थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए, जैसे कि ये कंपाउंड स्लाइड हेल्प करता है टेपर टर्निंग के लिए। तो हर एक पार्ट का अपना अपना पर्पस है, जैसे टेल स्टॉक अपना हेल्प करता है किस काम के लिए, स्पोर्ट के लिए लॉन्ग जॉब को, और उसके अलावा ड्रिलिंग के लिए। तो ये इस प्रकार से हर एक है। जैसे ये है आपका हेड स्टॉक स्पिंडल, इसका काम है जॉब को चक में जॉब को क्लैंप करना। तो इस प्रकार से हर एक टूल पोस्ट का कार्य है टूल को अपना फिक्स करना। तो हर एक अपना अपना, इसी तरह जैसे क्रॉस स्लाइड है, इसका कार्य क्या है? फेसिंग करना। ऐसे ही हैंड स्लाइड का कार्य हो गया टर्निंग करना। तो हर एक का अपना अपना पार्ट का जो कार्य है वो हर एक को समझना होगा। तो अभी हम मशीन ऑन करेंगे, और इसके बाद और ये जो लीवर है, तो ये हमारे सारे लीवर जो है वर्किंग में आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कैसे इसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा टूल है ये बिल्कुल जॉब के बिल्कुल समीप ले जाएंगे, और इधर से इस हाफ नट लीवर को हम लीड स्क्रू के अंदर इसको
डाल देंगे। और यहाँ देखो आप, ये आपकी अगेन जो है हमारा इसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया। नेक्स्ट टाइम हम इसको डेप्थ देंगे 0.05 के करीब। धीरे धीरे हम इसको और डीप करेंगे। तो ये हमारा लगभग थ्रेडिंग शेप बन चुका है। और इस समय हम जब वर्क करते हैं तो आंखों के ऊपर गॉगल लगाना बहुत जरूरी है। कोई भी चिप्स अगर आंख में डल गया तो वो हमारी आंख के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें आप हम चेकिंग करेंगे कि वास्तव में ये हमारी थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई है या नहीं। तो इसके अंदर हम सॉकेट को, तो हमारे पास इसके अंदर कई पार्ट होते हैं। ये फिटिंग है, इस फिटिंग में सॉकेट, एल्बो, टी, स्क्वायर, क्रॉस, एल्बो बोलते हैं इसको। तो हम अब चेक करेंगे इसके, तो इस प्रकार से जो है थ्रेडिंग ऑपरेशन जो है हमारा हो जाता है। तो ये तो हाफ इंच का था, अब हम इससे बड़ा पाइप लेंगे ताकि और एक बार आपका इसमें थ्रेडिंग का ऑपरेशन और अच्छे से और क्लियर हो जाए एक बार। तो ये थ्रेडिंग हो चुकी है पाइप के ऊपर। तो ऐसे ही हम इंडस्ट्री में जो है थ्रेडिंग कर, तो ये हमने दूसरा पाइप लिया, इससे जो नेक्स्ट 3/4 इंच का साइज है वो हाफ इंच का था। तो पाइप अलग अलग साइज के जो है अवेलेबल होते हैं एज पर और रिक्वायरमेंट। तो ये अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले टैंपरिंग करेंगे। ये हो गया टैंपरिंग। इसके बाद उसी तरह जो हमने टेपर करनी है वो लगभग 1 इंच से कम अर्थात 21 mm 3/4 इंच की लंबाई में हम इसकी टेपर करते हैं। तो वही जो बताया था आपको टेपर का ऑपरेशन, इसमें हम कंपाउंड स्लाइड की हेल्प नहीं लेंगे, अपने हाथ से ही करेंगे। तो जैसे ही पाइप इंक्रीज होता जाता है तो थोड़ी सी हम टेपर उसमें और बढ़ा देते हैं। अगेन एक स्मिथनी हो जाएगी, ये फाइनल फिनिश कट है। तो ये लगभग तैयार हो चुका है। और उसी तरह जैसे मैंने बताया था, क्योंकि ये अभी 1 इंच से पाइप कम है तो अभी इसके जो टीपीआई है वो 14 ही होंगे। तो इसमें हमें यहाँ और केवल हमने उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। यहाँ पे ये देखो, ये आपको अगेन हम लीवर को और ये आपकी थ्रेडिंग शुरू, अगेन इसको रिवर्स किया और ये फिर दोबारा अपना चेक किया और टूल हमने काम शुरू कर दिया। अगेन इसको रिवर्स किया, दोबारा डीप कट दिया और लगभग ये भी शेप बनने जा रही है। ये लगभग बन चुकी है। एक फिनिशिंग का टोन लगा देते हैं और इसके बाद एक बार चेक करेंगे, कमी होगी तो दूर करेंगे। अच्छा, ये सॉकेट तो है पर इसके अंदर आप देख रहे हैं एक तरफ डिफरेंट साइज है, दूसरी तरफ उससे और इंक्रीज साइज है। इसको बोलते हैं रिड्यूसर सॉकेट, क्योंकि इसका इधर से साइज जो है इधर रिड्यूस कर दिया गया है। एक तरफ ये 1 इंच की पाइप को कनेक्ट करेगी और एक तरफ ये क्या करेगी 1/4 इंच के पाइप को, 3/4 की पाइप को। तो अभी इसको आप चेक करें, थ्रेडिंग चल रही है। तो इस प्रकार से हम इसको एक बार और अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। और ये जो ऊपर शार्पनेस आ जाती है मटेरियल के ऊपर हाथ को न लगे, उसके लिए इसको फॉइलिंग ऑपरेशन कर देते हैं। तो इसको हम पाइप रेंच की सहायता से जितना चाहेंगे वहां टाइट कर देंगे। तो ये आपकी दो थ्रेडिंग ऑपरेशन आपने देख लिए, एक हाफ इंच पाइप और एक 1/4 इंच पाइप। इसी तरह 1 इंच फिर उससे बड़ा 2 इंच 3 इंच जितना भी बड़ा साइज है
सबके अंदर फिर उसी स्टैंडर्ड से हम थ्रेडिंग ऑपरेशन देते हैं।